आप जी के चरणा कमलों में आप दर कर दे प्रीतवान सरदार योगराज सिंह सरदार बाबा जसदीप सिंह जी झंडा जी के समूह सिख संगत वालों आपके चरण कमलों में अरदास बेनती महाराज सरकार ने जिहड़े तीन कानून महाराज जारी किए हैं महाराज उन्होंने रद्द कराने के वास्ते किसानों ने जो दिल्ली धरना लाया वो सफलता वास्ते किसानों की जित दे वास्ते महाराज आपके चरणा कमलों बेनती की जाती है किसानों सफलता बख्शनी पंजाब नूं चढ़दी कला बख्शनी अंग संग सहाई होना अपने बच्चों के मेहर भरे हथ रखना ये अरदास अज किसानों वास्ते हिंदुस्तान के सारे सारे धर्मां वास्ते सारे वर्ग वास्ते बॉर्डर देख के भी पंजाब एक सी ते बंड पाती सरकार ने लीडर ने लेकिन दिल बड़ा दुखदा है कि वो साढ़े वड्डे वडेरे बाबा जी का स्थान जिथे सानू खुल होनी चाहिए जान की उत्थे बंदिश बड़े दुख की गल है कि बंद हो गया तो एवं बनना है कि करोना करके बंद किया तो सरकार दियाँ जिहड़ियां हैगियां ने नीतियां ने आम तौर पर प्रचलित है कि पंजाबी खास तौर पर सिख अपने हकों के लिए संघर्ष करने के लिए मने जाते हैं चाहे वह सालां बद्धी अरदास तो बाद करतारपुर साहब का लांघा खुलवाना हो फिर मोदी सरकार के बनाए गए नवे खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली के संघर्ष विद्या हो लंबे समय तो संघर्ष करती आ रही है पंजाबी कौम तो सिख कौम अज फिर एक बार तो योगराज सिंह करतारपुर कोरीडोर पहुँचे हुए ने इतने उन्होंने अरदास की है करतारपुर साहिब का दुबारा तो लांघा खुलवाने के लिए तो जिहड़े किसान संघर्ष लड़ रहे ने मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने जित दे लिए अरदास की है साढ़े नाल ने गलबात करते हैं योगराज जी स्वागत है रोजाना लोकना योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अज तुसी इत्थे पहुँचे हुए हो अपने मित्र प्यारां दे नाल की अरदास की है मेरे मन च बड़ी रीझ सी भी मैं इत्थे आवां ते इत्थे आ के सारे मेरे सज्जन भरा दे नाल सारे सिंह साहिबान कहिंदे ने भी अरदास तो वध के कोई वड्डी चीज़ नहीं हुंदी है जिन्नी जंग लड़ाई चल रही है या जिन्नियां भी जंगा गुरु साहिबान ने कीतियां ने वह सारियां अरदास नाल ही कबूल होईयां ने तो सारिआं नूं बस इक्को वारी कहा सी सारे मेरे नाल तुर पए और मन भी बड़ा भरिया हो बॉर्डर देख के भी पंजाब एक सी ते बंड पाती सरकार ने लीडर ने अरदास अज किसानों वास्ते हिंदुस्तान के सारे सारे धर्मां वास्ते सारे वर्ग वास्ते कि साडा देश वसदा रहे साडा पंजाब वसदा रहे अरदास मेरे मन से सारे ने साथ दे के इधरले पासे आपां खड़े हाँ पंजाब है दूजे पासे लहिंदा पंजाब है तो खास तौर पर जिहड़ा अपना ननकाणा साहिब जिथों खेती की शुरुआत हुंदी है सिख कौम की तो अगे करतारपुर साहिब का जिहड़ा गुरद्वारा साहिब है किवें देखदे हो की महसूस होया इत्थे पहले तो गड्डी च उतरिया तो इस वक्त मैं ऐ लगता जिवें अकाल पुरख की गोद च बैठे है और गुरु नानक देव जी उत्थे हल चला रहे लंगर की प्रथा चला रहे और साडे सिखां नूं साड़ी कौम पंजाब दे रहनुमा नूं सारे नूं दे के गए लेकिन दिल बड़ा दुखदा है कि वो साढ़े वड्डे वडेरे बाबा जी का स्थान जिथे सानू खुल होनी चाहिए जान की उत्थे बंदिश साड़ी सरकार ने लाई हुई है क्योंकि पाकिस्तान वालों तो बहुत वर्ष नहीं है कि साढ़े वालों तो कोरीडोर खुला है पर चलो 17 साल अरदास हुई तो गुरु महाराज ने यह भी सुनिया अज अरदास सारे ने की है तो मैं बड़ी उम्मीद है कि छेती ये लांघा खुलूगा तो खासकर जो किसान ने जित के आएंगे क्योंकि हाई कोर्ट सुनवाई चल रही है अज भी चली है तो कल भी चलनी है सो अरदास भी कहते भी पिता जी के चरणों के एक टाइम सिर होनी चाहिए तो अज जी अरदास हुई है मैं उम्मीद है भी कल असी सुप्रीम कोर्ट जितांगे तो वापस आवेंगे और महाराज कृपा करे सच्चे पातशाह कि आज जिन्हें भी बंडियां पाईया हुई हैं एक दिन टुट जान तो जिहड़ा पंजाब है वह धुर तक जिते पहला सी श्रीनगर तो लैके तिब्बत तो लैके कंधार तो लैके एक हो जाए और सब सुख शांति दे नाल रहन ये मेरे मन की अरदास सी सो काफ़ी लांघा खुल भी गया सी करोना कारण हुण बंद करना पिया क्योंकि महामारी फैली हुई सी पूरी दुनिया दे विच उम्मीद करदे हो कि जल्दी खुल जू बड़े दुख की गल है कि बंद हो गया तो एवं बनना है कि करोना करके बंद किया तो सरकार दियाँ जिहड़ियां हैगियां ने नीतियां ने ते लेकिन उस रब के सामने उस गुरु घर के सामने उस पीर पैगंबरां के सामने किसी की मजाल है
कि कोई चीज़ बंद कर दे, जिस दिन गुरु ने हुक्म किया छेती ये लांघा खुलूगा तो साढ़े किसान सारे हिंदुस्तान के अपने अपने घर जाएंगे खुशी खुशी। तो मैं सारे भरावां नूं बेनती करदा हाथ जोड़ के कि आप हर महीने पहले हफ्ते आके इत्थे अरदास करिया करिए ताकि एक दिन गुरु सुनूगा तो साडा पंजाब साडा देश तो ये देश साडा जिहड़ा पिछे पाकिस्तान है सारे एक हो जूगा। किसान अंदोलन किवें देखदे हो? अज सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई भी हुई है, हो सकता है कि स्टे भी लगाया जाए? स्टे लग जाए शायद मैं समझूंगा कि साडा एक स्टैप जितदा सानू संपूर्ण हो गया, पर मैनू एक गल समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट नू इस गल च की झिझक है भी सुप्रीम कोर्ट दे विच। पर एक मुद्दा बड़ा अहम है तो मैं समझदा कि जिहड़ा बिल वापस करने हैं शायद कल गुरु महाराज कृपा करन तो सुप्रीम कोर्ट यही कह दे कि चंगा फिर जे तुहाडी यही मंश है कि तीन बिल तुसीं वापस कराने तो वह सुप्रीम कोर्ट वापस कर दे तो आप अपने घर आ जाइए। किसानों की प्राप्ति किवें देखते हैं? क्योंकि जेकर स्टे लगती है, क्योंकि इल्जाम भी लगते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दुर इस्तेमाल जिहड़ा करती रही है, दुरवरतों करती रही है केंद्र की मोदी सरकार खास करके, तो एक बार फिर तो स्टे लगा के भी यही किया जा सकता है क्योंकि दोबारा तो संघर्ष विढ़ना जेकर अज स्टे लग जाती है कल फिर दोबारा कानून आ जाते हैं तो दोबारा तो एड्डा व्डा संघर्ष विढ़ना किसानों लिए भी सौखा नहीं हो कितना कितने सरकार सोचती हो? नहीं नहीं ये गलत नहीं है सुखविंदर, जे जद जद भी पंजाब उत्ते भीड़ पई है, एक बार की हज़ारा बार इतने अंदोलन होए ने लड़ाइया हुई तो पंजाबियों ने जितया, 19 बार जाके दिल्ली तो झंडा भी लाया सिखा ने पंजाबियों ने, ये गल है नहीं। पर मैं समझदा कि जे तुसी कितना कितने जाके जी अपन लगता है जथेबंदियों की मर्जी है वो किमें देखते हैं, पर मैं इस तरह समझदा कि जे अपन हर चीज़ अपने हक च होंदी है तो आपां सुप्रीम कोर्ट के नाल नाल ये गल ये पक्ष रख के ये भी कह देना चाहिए कि साढ़े जो तिने बिल ने थानू खारिज करने की तकलीफ है। सो मेरे हिसाब नाल कल आपां नूं बहुत अच्छी अच्छी एक खुशखबरी आऊगी जिहदे नाल मैं समझदा कि अपना पंजाब के जिहड़े सारे हिंदुस्तान के जिहड़े वर्ग के लोग ने किसान भरा ने वह खुशी खुशी घर जाएंगे और जिन्ना मर्जी को जोर ला ले, क्योंकि मैं समझदा कि बंदे दे सामने दो पहलू होंदे है रब रखदा है, एक कहिंदा रब मेरे वल या शैतान वल, ये हुण सारे सोच लो भी शैतान वल तुरना कि रब वल तुरना, मैं रब वल तुरना तो मेरे सज्जन जिन्हें भी ने रब के राह तुर रहे हैं सच के राह तुर रहे हैं तो जिहड़ा बंदा सच के राह चलता है उसकी जित हमेशा होंदी है। तां योगराज जी दे नाल होर भी उन्हां दे सज्जन मित्र पहुंचे हुए गलबात करदे आ, किवें देखदे हो जिहड़ी अज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट दे विच? जिहड़ी सुनवाई हुई आ उह मैं तां समझदा वी उह साडी उहदे च वी इक जित्ती समझदा मैं, क्योंकि जे सुप्रीम कोर्ट किसानां दा दर्द समझदी आ तां ही उहने स्टे लाउण नूं कहा कि भी ये बिल्कुल ठीक ने इत्थे बैठे ने तुसीं इहनां दा कोई हल नहीं कढ सके, तो इस करके सुप्रीम कोर्ट नूं उहनां कानूनां ते स्टे लाउणी पई। स्टे लाउण दा मतलब इह हुंदा कि कानूनां नूं रोकता, तो जे रोकता तो किसानों के हक च ही रोकता ना, तो मैं तो इन्हों पॉजिटिवली गल लूंगा तो किसानों के हक च फैसला तो दुरवरतों तो नहीं मनी जाऊगी, क्योंकि जिस तरीके दे नाल केंद्र सरकार कहती सी कि सुप्रीम कोर्ट के उपर असी फैसला छड्ड दिंदे आ उस तरीके नाल छड्ड दिता गया, स्टे की भी गल की जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के वल्लों उहियां गल्लां हो रही ने, कितें दुरवरतों तो नहीं हो हो रही किसानों के खिलाफ? देखो आप वैसे भी ना जो भी कदे अपने दो जणिआं दी लड़ाई हो पे कोई बंदा समझौता करावे, समझौता ना हो तो आप कहने चल जाए आप कोर्ट चले जाए जो कोर्ट करूँ ठीक है, उन्होंने उस लहजे ने कहा होना कि चलो जी फिर जो साड़ी नहीं गल मनी तो साड़ी नहीं मनी सोड़ी नहीं मन कोर्ट पर छड़ दें आप हर गल नैगेटिव ना लीए। सो जे सुप्रीम कोर्ट एक वधिया फैसला करता तो आप सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करा। तो साढ़े नाल टिक्का सिद्धू जी भी मौजूद ने, उन्होंने गलबात करते हैं जे सुप्रीम कोर्ट के स्टे लग जाती है ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਯੋਗਰਾਜ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯੋਗਰਾਜ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਭਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
तो मैं वो सब कुछ करूँगा जो पंजाब के लोग मैं कहे। लांघे की गल भी चली सी, उन्हें मैं गल सुनाई किस तरह लांघा खुलिया, किस तरह गल बनी इमरान खान जी ने, तो इन्होंने दोनों ने रल के जो योगदान पाया और लांघा खोलता। दुख इस गल का है कि लांघा खोलने तो बाद थोड़ा बंद करने की लोड़ सी, जब दोनों धड़े दोनों देश इस गलते सहमत ने और संगत सारी सहमत है, फिर बंद करने की लोड़ है, ये की दर्शाती है, ये आप समझ सकते हो। तो हुण किसानां दे संघर्ष तुहानूं की लगता कि लंबा समा हुण चल सकदा जां 16 तो 20 दे विच विच गल निबड़ सकदी, क्योंकि 26 दा प्रैशर भी बहुत ज़्यादा गौरमेंट दे। ये तो हुण सुखविंदर सुप्रीम कोर्ट ते जिहड़ी सरकार है, हाँ मैं समझदा उन्हां दी मिली जुली भगत है, होनी भी चाहिए है। चलो जे उह सुप्रीम कोर्ट च गए ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पर मैं फिर भी कहूँगा कि तीनों जिहड़े बिल ने रद्द होने चाहिए ने, इहदे विच कोई वड्डी खास गल नहीं रही। किन्ना चिर संघर्ष चलूगा, 9 महीने आनंदपुर साहब की लड़ाई चलती रही, गुरु साहब के सिंह सारा परिवार 3 महीने बाद भुखे ते आए, चढ़दी कला फिर भी बाहर आए, और जिस तो बाद हिस्टरी है तुहानूं सारयां नूं पता। सो जे लंबा चलाउणगे इहदे विच नुकसान मैं समझदा सरकार दा ही है, पर जथेबंदियां नूं ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं उहनां दे काम च कदे दखलअंदाजी करदा नहीं। पर मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वह साडी इक जित है, जिदा आपां दूजी जित जिवें 10-12-15 चीज़ां लिख रखी है, तो दूजी जित है कि भी तुसीं बिल वापस कर लो। सो जे सुप्रीम कोर्ट ने यह तजवीज़ दी है कि कहिंदे स्टे लगा दिंदे आ, स्टे लगाउण तो बाद एक कमेटी बना दिंदे आ, कमेटी दे विच तुसीं फैसला कर लिओ, नबेड़ लिओ मामला। मेरा ख्याल है इन्ना लंबा अंदोलन करन तो बाद, इन्नियां शहीदियां देण तो बाद, ये गल्लां ना कुछ जचदियां नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। खैर मैं गल एक कहना चाहना कि साडियां दो पक्ष जित हो सकती है, पहली जित यह है कि जे सानू स्टे ऑर्डर मिलता, स्टे ऑर्डर के नाल नाल वो कह दें तुसीं कमेटी बना दो, और कमेटी वाले नूं आखो जी कि तुसीं जिहड़े बिल ने रद्द कर दिओ, की फर्क पैंदा। गलबात करनी, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये सन सरदार योगराज सिंह जे जिहड़े करतारपुर कोरीडोर से अरदास करन लई पहुंचे हुए हैं। मेरे उस पासे तुसीं देख सकते हो उधर लहिंदा पंजाब है, पाकिस्तान है, तो गुरद्वारा जिहड़ा करतारपुर साहिब मौजूद है, उधर जिथों खेती की शुरुआत बाबा नानक जी ने की, तुसी देख सकते हो तस्वीरां दे विच। तां अज योगराज सिंह अपने साथियों के समेत इत्थे अरदास करन लई पहुंचे सी, तां जो दोबारा तो जिहड़ा उधरले गुरद्वारा साहिब के दर्शनां लई इह लांघा खुल सके, ते नाल ही नाल किसानां दी जित दे लई इत्थे अरदास करन लई पहुंचे हुए सी। कैमरामैन तजेंद्र दे नाल सुखविंदर सिद्धू, रोजाना लोकनाथ टीवी, करतारपुर कोरीडोर।